अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे के बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दें। दोस्तों, आज मैं एक धागा स्टैंड की वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज हम सीखेंगे कि धागा स्टैंड है जो सिलाई मशीन का, जो कि ब्रदर जो भी मशीन है इंडस्ट्रियल मशीन का, वो कैसे फिटिंग की जाती है। ये मैंने सारा धागा स्टैंड है जो वो मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया आपके सामने, एक एक चीज़ करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप करेंगे तो कोई भी चीज़ मिस होगी तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी कि मैंने कैसे ये इसकी सेटिंग की है, इसको इसकी फ़िटिंग कैसे की है। इसकी फ़िटिंग अच्छे तरीके से इंशाल्लाह करके दिखाऊँगा आपको। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, ये मैंने एक पाइप ले लिया पहले, इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगा पहले, ठीक है। आपने देख लेना ये थोड़ा सा ऊपरी ऊपर वाली साइड पे ना जो रखना है, इस जगह पर आपने रखना है। जैसे मैं फ़िटिंग कर रहा हूँ ऐसे ही आपने फ़िटिंग करनी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, इसके बाद मैंने क्लंप लगाया इसके साथ। क्लंप लगाने का फ़ायदा ये होता है कि ये ऊपर नीचे नहीं होता, हिलता नहीं है। उसके बाद स्क्रू जो है वो अच्छे तरीके से आपने टाइट करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि ये प्लास्टिक का धागा स्टैंड है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो जहाँ पेच वो फ्री हो जाएगा, जहाँ वो क्लंप है जो उसका लाग है वो टूट जाएगा। अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद आपने नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो आपने सेम टू सेम फॉलो करना है। ये देखिए फिटिंग होगी इसकी। इसके बाद आगे जो हम ये एक जो है क्लंप ये लगाएंगे, ये दोनों पैप ऊपर वाले और नीचे वाले पैप को जोड़ने के लिए होता है। इसके आपने स्क्रू थोड़े थोड़े से ढीले कर लेने हैं, उसके बाद पाइप में लगाना है। इसके अंदर ही दूसरा पाइप आपने लगाना है। अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी बहन या भाई या दोस्त हैं, वो मेरी वीडियो को देखें तो उनको फ़ायदा हो। तो आपको अगर फ़ायदा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये देखें, मैंने थोड़ा इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लिया है। इसके बाद जो है ये एक क्लंप, पहले मैंने क्लंप लगाया। आपको एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको फिटिंग में कोई भी मुश्किल ना आए। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से लगाना है। ये जो ऊपर मैं लगा रहा हूँ ये धागे के लिए होता है, इससे सुराख में से धागा गुजार के सिलाई मशीन की तरफ जाता है। नीचे जो मैंने लगाया है वो कोलियाँ सी, उसके ऊपर नलकी रखते हैं। इसको भी अच्छे तरीके से क्लंप लगाएंगे, क्लंप लगाने के बाद टाइट कर देंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो मेरे आल बहन भाई हैं उनको कोई भी चीज़ किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम हो वो उनकी सॉल्व हो जाए। अच्छे तरीके से आपने टाइट करना स्क्रू को, स्लिप नहीं करना, स्लिप करेंगे तो वो ख़राब हो जाता है, लॉक जो होता है ना क्लंप के अंदर वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये फिट हो गया, ये आपके सामने। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो हम करते हैं। स्टेप बाई स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सके। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गया है तो इंशाल्लाह चीज़ भी सारी आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद ये आपने जो कोलियाँ दी हैं इनके ऊपर जो है ना वो अच्छे तरीके से किलियाँ दी होती हैं, दो वो लगानी है। उसके बाद नीचे से स्क्रू टाइट कर देना है, अच्छे तरीके से टाइट करना। ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइट करेंगे तो फ्री हो जाएगा। नॉर्मल सा रखना है क्योंकि ये प्लास्टिक होता है, इसका टूटने का ज़्यादा डर होता है। इतना भी हल्का नहीं होता पर आपको एहतियात लाजमी करना है। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से दोनों स्क्रू टाइट कर दिए हैं। इसके बाद जो है इसके ऊपर ये उन्होंने साथ एक्सेसरी दी हुई, ये आपने लगानी है ताकि नलकी इसके ऊपर इजी से आ सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर, किस चीज़ की रिपेयरिंग पर सिलाई मशीन की चाहिए वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। इसके अलावा हमारे पास सिलाई मशीन जो है ओवरलॉक काज वो मौजूद होती है, वो आप ऑनलाइन पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पर, हादिस्टी चैनल पर। ये देखें पूरी मुकम्मल मैंने फ़िटिंग करके दिखाई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।